अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th मैथमेटिक्स अभी पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की न्यू बैच चाहते हैं, आप YouTube पर क्लास 12th की पढ़ाई चाहते हैं और वो भी संपूर्ण क्लास की पढ़ाई चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर के संपूर्ण बुक की पढ़ाई मिलेगी और सभी पाठ मिलेंगे। तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, हम पार्ट वाइज कर दिए हैं, पार्ट 1 से लेकर के अभी तक जो पार्ट बनाए हैं सभी को देख लीजिए, या आप हमारे किसी भी वीडियो को क्लास 12 की शुरू करेंगे तो बीच में आपको हैशटैग मिलेगा, देख सकते हैं 12, और इस हैशटैग को छुएंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट का वीडियो आपको सीरियली आ जाएगा। ये जो क्लास 12 की न्यू बैच है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियली तैयारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी दिन क्लास मिस नहीं होगा, आप कहीं नहीं भी पढ़ेंगे, आप लोग वीडियो को देख करके कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो हम बताएंगे सभी को उतारते जाइए, आपको संपूर्ण क्लास की पढ़ाई मिलेगी, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य, स्वतुल कहने से ही अर्थ हो गया कि स्वयं से तुलना, स्वयं से तुलना। तो स्वतुल के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं? वन एलिमेंट, एक एलिमेंट लेते हैं। स्वतुल के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल संबंध, इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, जैसे सेट ए है, इसमें एक दो तीन एलिमेंट है, इसका रिफ्लेक्टिव रिलेशन होगा एक, जैसे एलिमेंट एक है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक एक, दो है तो क्या लेंगे, दो दो, 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 दो। तीन है तो हम क्या लेंगे, तीन। मतलब जिस सेट पर आधारित आप रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन लिखना चाहेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट लेंगे रहेंगे उसका सेल्फ रिलेटेड पेयर इसमें लेंगे। जैसे एक है तो क्या हो गया, एक एक, दो है तो क्या होगा, दो दो, तीन है तो तीन तीन। अगर एक भी पेयर गायब रहा, एक भी पेयर गायब रहा तो ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन आपको नहीं होगा। अगर एक भी पेयर गायब रहा तो आपको रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखो ये पहला आपका हो गया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वह आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सममित संबंध, जिनका हिंदी होता है सममित संबंध। क्या होता है? सममित संबंध। देखो ये रिलेशन जो है कहता है ए अगर बी से संबंधित है, ए रिलेटेड बी, यानी ए बी से संबंधित है, बी ए से। अब देखो तो किससे, बी जो है पुनः ए से संबंधित होना चाहिए, समझ गया ना, ये बी से संबंधित है और बी जो है ए से भी संबंधित है, तो वही रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी ए बी से संबंधित, अभी बी ए से संबंधित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इनमें दो। एग्जांपल में देखो, जैसे सेट ए ले लिए, इसमें क्या है, एक दो तीन, तीन एलिमेंट है, एक दो, एक दो, एक दो तीन एलिमेंट है जी सर। इसमें देखो पेयर लेते हैं एक दो, एक दो पेयर ले लिए दो एक। अब इसमें करना क्या, एक दो है ना, देखो ए बी यानी ए बी बी, अब क्या होना चाहिए, बी यानी दो, दो एक, एक, इसका विपरीत, समझ गया ना जी सर। एक दो है तो क्या होना चाहिए, दो एक, वही क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है, वही क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है, किस रिलेशन। दूसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। ये क्या होता है कि जैसे तीन एलिमेंट इसमें लेगा, कितने एलिमेंट लेगा, इसको डिफाइन करने के लिए ए बी से संबंधित, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड, बी रिलेटेड सी। तो देखो जैसे ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, ए सी से, रिलेशन कहता है कि ए सी से संबंधित होगा। तो देखो
इसमें आपको क्या आएगा? रिलेटेड सी, ए रिलेटेड सी। एग्जांपल में देखो, जैसे सेट ए लेते हैं, इसमें एक दो तीन एलिमेंट हो गया। इस पर आधारित रिलेशन एक आर लेते हैं, देखो एक दो से संबंधित हो और दो किससे संबंधित हो? तीन से। तीन से एक, तीन से एक किससे संबंधित होगा? तीन से। तीन से, समझ गया ना? जी सर। एक दो से संबंधित, दो तीन से संबंधित, एक किससे संबंधित होगा? तीन से। तीन से, तो यही रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, समझ गया ना? जैसे मान के चलो कि एक जो है दो का दोस्त है, दो किसका दोस्त है? तीन का। तीन का, देखो एक तीन का दोस्त होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त, यानी ये रिलेशन निकालने के लिए किसी पेयर का जो है ना अंतिम एलिमेंट और किसी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखेगा, समझ गया ना? जो एलिमेंट मिला इसको क्या करोगे? छांट दोगे। इसको क्या करोगे? छांट। तो बसा क्या? एक और तीन, एक और तीन, इसमें क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी ए बी से संबंधित हो, बी ए से संबंधित, देखो ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, संबंधित होना चाहिए। तो ये जो है सी से संबंधित होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ये भी चीज मिल गया रिलेशन में तो आपको क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्सरसाइज 1.1 क्लास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, समझ गया ना? Yes, ये जो रिलेशन दिया है, इसमें दिया है, इसमें निर्धारित करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। जो है लिखना है रिफ्लेक्सिव है। अगर मान के चलो कि सिमेट्रिक रहेगा तो हम लिखेंगे सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव है। तो देखो एक नंबर का सवाल, देखो सेट ए आपको दिया है, कह रहा है कि समूच ए बराबर एक दो तीन, इसमें जो है चौदह तक क्या है? एलिमेंट है। अब देखो मैं संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि इस सेट पर एगो संबंध जो है ना, इस सेट पर एक संबंध परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है? देखो R बराबर है आपको, R बराबर एक्स वाई सच डेट थ्री एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। इस प्रकार से संबंध क्या है? परिभाषित है। तो एक सेट ए है, एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट है? समझ गया ना? 14 एलिमेंट है। और इस पर एक जो रिलेशन है ये इस प्रकार से संबंधित है। ये आर फोर क्या होगा? रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। तो कह रहा है कि एक्स वाई यानी दो एलिमेंट लेगा, एक्स वाई पेयर, समझ गया ना? जी सर। जैसे इसमें हम एलिमेंट एक लेते हैं, क्या लेते हैं? एक लेते हैं। तो देखो एक जो हम लिए हैं तो किसके जगह लिए हैं? एक्स के जगह लिए हैं ना। जी सर। देखो यहाँ पर आपको दिया है थ्री एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर क्या होगा? जीरो। थ्री एक्स नहीं होगा? जी सर। 3x माइनस वाई बराबर क्या है? जीरो। तो y बराबर क्या होगा? 3x होगा ना? जी सर। y माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर x का मान एक लेंगे तो y का मान क्या निकलेगा? x का मान एक तो तीन होगा। नहीं होगा जी? जी सर। अगर x का मान हम एक लेते हैं तो तीन गुना एक क्या हो गया? तीन होगा। तो y का मान क्या निकला? x का मान हम एक लेंगे तो y का मान क्या निकलेगा? तीन हो गया। उसके बाद देखो x का मान अगर हम दो लेते हैं, कितना लेते हैं? दो। तो y का छो, y का मान क्या? यहाँ पर दो रखेगा तो तीन दूनी छो हो गया ना? जी सर। अगर x का मान, समझ गया, x का मान तीन रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? x का मान तीन रखे तो y का मान क्या होगा? नो हो गया ना? अब x का मान क्या रखेंगे? चार रखेंगे तो y का मान क्या होगा? बारह। बारह
एक्स का मान अगर हम 5 रखते हैं तो कितना होगा वाई का मान? 15। देखो सेट ए में 15 है नहीं है, सेट ए में 15 है नहीं है, 5 ले सकते हैं एक्स का मान? नहीं नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं? किसको दिक्कत है? वाई को दिक्कत है। किसको दिक्कत है? एक्स में एलिमेंट को दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो, एक लिए, दो लिए, तीन लिए, चार तक लिए, 5 ले सकते हैं? सही सर जी। वाई वाला जो मान 15 आ रहा है उसी एटीएम में नहीं नहीं है, तो हम 4 तक ही ले सकते हैं। ये हो गया ना जी सर। आप बोलो रिफ्लेक्सिव ये होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया कि सेट ए में 14 एलिमेंट है ना जी, जी नहीं है जी। तो देखो एक है तो इसमें क्या होना चाहिए था? एक एक होना चाहिए था, एक एक होना चाहिए था ना जी। क्या एक एक है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्टिव रिलेशन रिलेशन बिकाउज क्यों नहीं होगा? तो वन डज नॉट रिलेटेड वन, एक एक से संबंधित नहीं है। इसका तो ढेरों कारण मिल गया, दो भी दो से संबंधित नहीं है, तीन भी तीन से संबंधित नहीं है, चार भी चार से है जी सर। तो कम से कम एक को कंडीशन विरोध कर दिया ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो एक है यहाँ पर, इसमें होना चाहिए था यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो देखो एक एक वाला पेयर कहीं पर भी है नहीं। दो है तो क्या होना चाहिए? यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। देखो कहीं पर भी पेयर है दो नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ, समझ गया ना? तो यहाँ पर तो हम रिलेशन लिख दिए हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर आप ये चीज नहीं भी निकालो फिर भी आप बना सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तब कैसे बनाएगा? देखो आपको एक्स्ट्रा हम समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 3x-y है ना बराबर 0, तो यह y बराबर क्या हो गया? 3x अब 4 रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं? एक एलिमेंट। तो वाई बराबर क्या रखेगा? एक। वाई बराबर एक्स रखेगा ना? तो बोलो यहाँ पर वाई की जगह क्या रखोगे? वाई की जगह क्या रखोगे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई का मान, दोनों का मान क्या होता है आपस में? बराबर होता है। तो वाई की जगह क्या रखेगा? ये 3x हो गया ना, तो x 3x के कभी बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं। तो ये आप लिख सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम रिलेशन लिख चुके हैं संख्या लेकर के, तो हम इतना क्यों करेंगे? समझ गया ना? आप बोलो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नो सर। सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नो सर। सिमेट्रिक भी नहीं। बोलो तो नो सर। देखो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा? नहीं होगा। देखो एक तीन से संबंधित है? नहीं। एक तीन से संबंधित है? एक तीन से। एक तीन अगर इसमें है तो आपको क्या होना चाहिए था इसमें? कर्म। तीन एक होना चाहिए। एक तीन है तो इसमें आपको क्या होना चाहिए था? तीन एक है नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। मतलब 100 पेयर मिल भी जाए, एक को पेयर नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ तो शुरुआत से एकदम शुरू हो गया है, मिल नहीं रहा है। समझ गया ना? जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ सबका जो है, ये भी है तो बी ए मिल जाता, मतलब एक दो है तो दो एक मिल जाता, दो छो है तो क्या मिल जाता? छो मिल जाता। तीन नौ है तो क्या मिल जाता? नौ। ये अंतिम वाला नहीं मिलता तो फिर भी हम क्या कहते हैं? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मतलब एक को विरोध कर दिया ना तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एक किससे संबंधित है? एक तीन से संबंधित। एक किससे संबंधित है? तीन से संबंधित है। एक तीन से संबंधित है,
लेकिन तीन एक से संबंधित है नो सर। तो यहाँ पर लिखना है बट थ्री डज नॉट रिलेटेड वन वन, तीन एक से संबंधित नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। किसको दिक्कत है इसमें, किसी को नहीं। किसको दिक्कत है, आप क्या चेक करेगा, ट्रांजिटिव। आप देखो ट्रांजिटिव जो है ये होगा कि नहीं होगा, होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, जो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो, जैसे हम क्या बताएं, किसी पेयर का जो है, किसी भी पेयर का लास्ट एलिमेंट और किसी पेयर का शुरुआत का एलिमेंट, किसी पेयर का लास्ट का एलिमेंट और किसी पेयर का शुरुआत का एलिमेंट आपस में अगर मिल जाए, आपस में अगर मिल जाए, देखो जैसे इसका लास्ट एलिमेंट है ना तीन, देखो किसके पहले तीन आ रहा है, किस पेयर में पहले तीन आ रहा है, छोनो में कहाँ आ रहा है, तीन आ रहा है जी, इसका तीन, इसका तीन मिल गया, जो मिल गया इसको छोड़ दो, इस तीन और इस तीन को छोड़ दो, छोड़ दिए तो क्या बचा, एक और नो। इसमें देखो तो एक और नो है कहीं पर, नो सर है, एक नो कहीं पर, वही हो रहा है रिपीट। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि ए बी से संबंधित हो, बी ए से संबंधित, सी से, सी से, जी सर, तीन एलिमेंट लेते हैं ना, यस सर, ए बी से संबंधित और ए सी से संबंधित, ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित, ए सी से संबंधित होगा, ए सी से, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये हो गया आपका बी, ये क्या हो गया, हो गया ना। अब देखो क्या होना चाहिए, ए और सी, ए सी, ए सी मतलब क्या हो गया, एक नो, एक नो, देखो इसमें है, एक नो है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर लिखना है वन रिलेटेड आपको थ्री, देखो एक किससे संबंधित है, तीन से, तीन से, एक किससे संबंधित है, तीन से, लिखेगा ना, एक तीन से संबंधित है, ये मैथमेटिक्स रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक किससे संबंधित है, तीन से, यानी वन रिलेटेड थ्री, वन रिलेटेड थ्री, उसके बाद देखो एंड, फिर तीन किससे संबंधित है, तो थ्री रिलेटेड क्या करेगा, नाइन इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। अब देखो इसके अनुसार ये और ये क्या होगा, छट जाएगा ना, अब कौन संबंधित होगा, एक तो बोलो, ये जो है नो से रिलेटेड है, नो सर, ऐसे काट दिया, काट दिया ना, आप लिखेगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है आपको ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है।